हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगा आपके रिश्ते से, जाएगा क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन? तो रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। एनी टॉपिक पर आप रीडिंग ले सकते हो, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सअप पर, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब आपके लव लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या वो सिचुएशन रिलीज होगा, क्या वो सिचुएशन जाएगा, ठीक है? कब तक जाएगा तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं बोल दूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये होता है दोनों लवर्स के बीच। अगर आप दोनों के बीच ट्रू लव है, अगर आपको पता है आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है, और उनका फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, ट्रू है, और आप भी उनको प्यार करते हो, तो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन आता है उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन हम बोलते हैं। जैसे कि पैसों का मैटर हो गया, कास्ट कल्चर इशू का मैटर हो गया, सोसाइटी का इशू, मतलब सोसाइटी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों की वजह से आपके पर्सन आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में दरार आ रहा है, तो वो सोसाइटी बन गया थर्ड पार्टी सिचुएशन। और अगर फैमिली बीच में आ रहा है कि मम्मी पापा के वजह से, या तो फिर फैमिली की कुछ रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशन की वजह से नहीं हो पा रहा है, या तो फिर एक डिवोर्सी है एक मैरिड है, या तो फिर आप दोनों साइड मैरिड हो लेकिन आप दूसरे से, मतलब दोनों तरफ से प्यार है, ठीक है, अलग अलग पर्सन से मैरिड है लेकिन प्यार दोनों तरफ से है, तो यहाँ पर फैमिली या फिर चाइल्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है। लेकिन आप दोनों एक साथ रहना अगर चाहते हो, वैसे पीसफुल रिजोल्यूशन अगर है तो सही है कि आप दोनों ऐसे एज अ फ्रेंड रहना चाहते हो तो सही है। लेकिन अगर आप वैसा नहीं चाहते हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फैमिली बच्चे हो सकते हैं, तो इस तरीके का कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल है एक मैरिड है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ही जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तब वो आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज लाइफ में हैप्पी नहीं है, या तो फिर उनका मैरिज लाइफ टॉक्सिक है, फाइट हो रहा है, तो इस तरीके का जो सिचुएशन होते हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हैं, ठीक है। मतलब ट्रू लव के बीच में अगर कोई आता है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, उनके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कब तक रिलीज हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक एंड हो सकता है, प्लीज एंजल गाइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक एंड हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक एंड हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक एंड होगा। देखिए यहाँ पर टाइम निकल कर आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही टाइम निकल कर आ गए हैं। मैं बाद में बोलूंगी कि कितना टाइम लग सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने में। देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी एक्स के लिए देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पैसा थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए अदर चॉइसेस अदर ऑप्शन थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है इसलिए वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन डर रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो आपके तरफ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डर है, वो क्या करे ना करे, ये थर्ड पार्टी है। कुछ लोग के यहाँ पर सोसाइटी कास्ट कल्चर इशू, या तो फिर मैरिज, कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, दोनों तरफ मैरिड हो, या तो फिर कास्ट कल्चर इशू, अगर आप लोग सिंगल हो तो कास्ट कल्चर का इशू मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये ज़्यादातर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ लोग का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, ठीक है, कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके पर्सन आ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन चाहते तो है लेकिन वो वेटिंग में डाल रखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी चीज़ में, उनको टाइम लगेगा, इस तरीके का भी हो सकते हैं। और यहाँ पर चलिए देखते हैं कुछ कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, उसके बाद मैं आपको टाइम बताऊंगी कि किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज हो सकता है। ओके, सेवन ऑफ कप्स क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें, चॉइसेस क्या चॉइसेस हैं।
कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जी, डेविलिश एनर्जी है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। और आपके पर्सन की जो मैच्योरिटी है वो कम हो सकते हैं, या तो फिर एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, या तो फिर यस यहाँ पर एज फैक्टर भी है। कुछ लोग एज में छोटे हैं, कुछ लोग के पर्सन एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूसरी सिटी हो सकता है, और कुछ लोग के यहाँ डेविलिश एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिस कर्मा की वजह से आपके पर्सन आ नहीं पा रहे। उनका कर्मा जितना टाइम रिलीज नहीं हो रहा है उतना टाइम वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे, आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन है। नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, कुछ लोगों के पर्सन काम में फोकस कर रहे हैं, पेंटिकल का इशू हो सकता है, पेंटिकल की वजह से फाइट हो रहा है, और हेल्थ इशूज है, लेकिन उस साइकिल को एंड करके आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स प्लानिंग कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, और कुछ लोग के यहाँ थर्ड पार्टी उनके फादर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर उनके बच्चे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पर पेंटिकल हो सकता है, काम हो सकता है, और उनका हेल्थ इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आ नहीं पा रहे, लेकिन आएंगे ज़रूर। वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और कुछ लोग डर रहे हैं, ठीक है, डर की वजह से आ नहीं पा रहे आपके तरफ, लेकिन वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। अभी भी थोड़ा उनको टाइम लगेगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। कुछ लोग के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप उनको स्पाई करते हो, आपके पर्सन आपको स्पाई करता है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को स्पाई करते हो और दोनों ही दोनों के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हो, और यहाँ पर आपके पर्सन किसी दूसरे पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, जहाँ पर वो जगलिंग कर रहे हैं, कोई उनका कोई फादर फिगर, या तो फिर वो सोसाइटी में उनका कोई इमेज है जिसकी वजह से वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सोसाइटी क्या बोलेंगे। अगर सोसाइटी के वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, वो खुद हो सकता है कि लोगों को बोलते हैं कि रूल्स नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं करा जाएगा, वैसा नहीं करा जाएगा, इस तरीके पोजीशन पर हो सकता है आपके पर्सन, खुद लोगों के लिए वो डिसाइड करते हैं कि लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो खुद के खुद कैसे रूल्स ब्रेक करेंगे, ठीक है। होते हैं ना कोई कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं दूसरे के लिए, जैसे कि विलेज में मीटिंग्स वगैरह होता है, ठीक है, कोई पावरफुल इंसान रहता है उसके पास पास हर कोई जाते हैं, ठीक है, सलाह लेने के लिए या फिर प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने के लिए। उस तरीके का पोजीशन पे भी कुछ लोग के पर्सन हो सकते हैं, तो वो खुद दूसरों को गाइड करते हैं कि रूल्स नहीं ब्रेक करना चाहिए, कुछ गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पर्सन खुद मैरिड है और वो अगर आपके तरफ आना चाहते हैं तो वो खुद रूल्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए मैं यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऐसा सिचुएशन है। नाइन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, पैसों में दिक्कत है, आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होके बैलेंस करना चाहते हैं, पैसों का प्रॉब्लम अगर है, पैसा अगर थर्ड पार्टी है तो वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके बाद केयरफ्री होके आपके तरफ आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है, अगर कुछ लोग के पर्सन वापस इसलिए नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी उनका ईगो हो सकते हैं, या तो फिर कोई अदर्स लवर हो सकते हैं आपके पर्सन की, ओके, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुआ था इसलिए आपके पर्सन नहीं आ रहे, या तो फिर कोई अदर्स लवर है जो कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, ओके। इस तरीके का भी एनर्जी है। कुछ लोग के पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी है, ठीक है, ईगोइस्टिक है, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनका घमंड एंड ईगो। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। लेकिन वो आपको मिस करते हैं, चाहते हैं, पास्ट में कुछ लोगों के पर्सन धोखा देके गया था, लेकिन यहाँ पर टावर मोमेंट आए हैं उनके लाइफ में, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी है।
तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर 9 मंथ के अंदर रिलीज होने के चांसेस मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, 9 वीक्स के अंदर या फिर 9 मंथ्स के अंदर आप लोगों के बीच जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज हो सकता है। तो गाइस ये था आज के दिन में एक शॉर्ट रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट में बताना और लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।